सुप्रभात, आप सभी कार्नेशंस ई के बच्चों का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। कक्षा में आगे बढ़ने से पहले आइए हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें कुशल मंगल रखे। अपने हाथों को जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और आज की प्रेयर स्टार्ट करिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपने हाथों को ऐसे मलिए और इनको आंखों पर रखिए। हाथ नीचे, आंखें खोलिए। क्या आप तैयार हैं आज की कक्षा के लिए? आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम अपने सारे स्वरों का रिवीजन करेंगे और अपने पांच व्यंजनों का रिवीजन करेंगे। क्या आप तैयार हैं आज की कक्षा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा स्वरों का संगीत। खड़े हो जाइए और देखिए। अ से अम्मा मेरी आओ, अ से अम्मा मेरी आओ, आ से आम मीठा लाओ, आ से आम मीठा लाओ, इ से इमली होती खट्टी, इ से इमली होती खट्टी, इ से ईक होती मीठी, इ से ईक होती मीठी, उ से उल्लू रात को जागे, से उल्लू रात को जागे, दिन निकले तो डर से भागे, दिन निकले तो डर से भागे, उ से ऊन के बनते गोले, उ से ऊन के बनते गोले, री से ऋषि बड़े महान, री से ऋषि बड़े महान, हम सबको देते हैं ज्ञान, हम सबको देते हैं ज्ञान, ए से एड़ी मुझे दिखाओ, ए से एड़ी मुझे दिखाओ, ऐसे ऐनक मेरी लाओ, ऐसे ऐनक मेरी लाओ, ओ से ओखली में कूटो धान, ओ से ओखली में कूटो धान, आ से औरत बड़ी महान, आ से औरत बड़ी महान, अंग से अंगूर रस से भरे, अंग से अंगूर रस से भरे, आहा से होते स्वर पूरे, आहा से होते स्वर पूरे। देखिए बच्चों, जैसे आपने सीखा, अह से कोई शब्द नहीं बनता, अह से कोई नया शब्द नहीं बनता, इसे हम शब्द के पीछे बिंदु के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नमः अह, नमः प्रातः। चलिए बच्चों, अब सीखते हैं कि हम कॉपी में कैसे लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अ से अह तक स्वर को लिखना। सबसे पहले अ से अनार, अ से अनार कैसे बनाएंगे? पहले ऐसे कर्व, फिर उसकी टेल ऊपर तक, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। आ से आम, आ से आम। ई से इमली, ई से इमली के लिए पहले एक छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर सी, फिर उल्टा सी और एक लूप और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ई से इमली। ई से ईक, पहले हम स्टैंडिंग लाइन, फिर सी, फिर उल्टा सी और फिर एक लूप और ऊपर एक कर्व। ई से ईक,
फिर बनाते हैं ऊ से उल्लू। पहले थ्री बनाइए और उसकी लंबी सी टेल। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। दोबारा से पहले थ्री बनाइए, लंबी सी टेल और पीछे एक कर्व और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ऊ से उल्लू। फिर है री से ऋषि। पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर बीच वाली ब्लू लाइन से एक स्लैंटिंग लाइन और कर्व, फिर एक स्लैंटिंग लाइन नीचे वाली ब्लू लाइन तक, फिर एक पीछे लूप बनाइए और सी। इस लूप को ऊपर वाली ब्लू लाइन पर टच नहीं करना है। और स्लीपिंग लाइन, री से ऋषि, ए से एडी, स्टैंडिंग लाइन छोटी सी, फिर एक स्लैंटिंग लाइन, फिर थोड़ी दूर पे एक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर बड़ी सी स्लीपिंग लाइन, ए से एडी, ए से एनक, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा, ए से एनक। ओ से ओखली के लिए पहले अ बनाइए, फिर एक डंडा और एक ऊपर मात्रा, मात्रा को ऊपर लाइन तक टच कराइए। फिर ओ से औरत, पहले आ से आम बनाइए और दो मात्रा, एक मात्रा को ऊपर रेड लाइन तक टच कराना है और एक मात्रा को नीचे तक रखना है। ओ से औरत। अंग से अंगूर, पहले अ बनाइए और ऊपर एक डॉट और लास्ट में अह। पहले अ बनाइए और दो डॉट। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी व्यंजनों की पुनरावृत्ति। हमारा पहला अक्षर है अक्षर क। आपने सही सुना, अक्षर क। मेरे पीछे पीछे दोहराइए, क से कबूतर, क से कलम, क से कमल, क से कलश, क से कछुआ। बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले अक्षर की ओर। हमारा अगला अक्षर है अक्षर ख। हमारा अगला अक्षर है अक्षर ख। फिर से दोहराइए, अक्षर ख। ख से खरगोश, ख से खलिहान, ख से खटिया, ख से खरबूजा, ख से खरल। बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले व्यंजन की ओर। हमारा अगला व्यंजन है व्यंजन ग। बोलिए मेरे पीछे, व्यंजन ग। ग से गधा, ग से गाजर, ग से गमछा, ग से गमला, ग से गरीब। बहुत बढ़िया। हमारा अगला अक्षर है अक्षर घ। हमारा अगला अक्षर है अक्षर घ। मेरे पीछे दोहराइए, अक्षर घ। घ से घड़ी, घ से घड़ा, घ से घंटी, घ से घर, घ से घड़ियाल। बहुत बढ़िया। हमारा अगला अक्षर है अंगा खाली। क्या है? अंगा खाली। अंगा से कोई शब्द नहीं बनता। शब्द के ऊपर इसे बिंदी के रूप में जोड़ा जाता है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। इससे उस अक्षर की आवाज बदल जाती है। उदाहरण के लिए, ग प्लस अंगा गंगा, जंगल मंगल, चंदा। बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं कि सारे व्यंजनों को लिखते कैसे हैं। चलिए सीखते हैं कि व्यंजन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क से कबूतर, स्टैंडिंग लाइन, फिर एक कर्व, फिर इस साइड एक कर्व और ऊपर स्लीपिंग लाइन। क से कबूतर। ख से खरगोश के लिए पहले एक उल्टा सी, फिर एक टेल जो ब्लू लाइन तक जाएगी, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर एक सी और ऊपर स्टैंडिंग लाइन। ख से खरगोश।
ग से गमला, पहले स्टैंडिंग लाइन ब्लू लाइन के नीचे तक, फिर एक स्लैंटिंग लाइन छोटी सी, फिर एक स्लीपिंग लाइन छोटी सी, फिर स्टैंडिंग लाइन। ग से गमला, घर से घर के लिए ऐसे उल्टा सी बनाइए, फिर एक टेल जो ब्लू लाइन तक जाएगी, फिर स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन, घर से घर, और लास्ट में अंगा खाली, पहले एक स्टैंडिंग लाइन छोटी सी, फिर सीधा सी, फिर उल्टा सी और उसकी लंबी सी टेल, ऊपर स्लीपिंग लाइन और एक डॉट। आशा है आपको यह सब समझ में आया होगा और आप इसे घर में प्रैक्टिस करेंगे। आशा है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।